नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। मुंबई में अजीब तरह का रोड रेस का मामला सामने आया, जहां एक महिला और कुछ लोगों ने मिलकर न केवल दो पहिया वाहन चालक के साथ गाली गलौज की, बल्कि उसकी गोल्ड की चेन छीन ली। इतना ही नहीं, उसको कार में बंधक बना दिया। यह घटना शनिवार देर रात मुंबई के खारलिंग रोड पर हुई है। यहां 37 साल की ब्यूटिशियन अपने कजिन भाई के दो पहिया वाहन पर जा रही थी। इस दौरान उसकी टक्कर एक कार चालक महिला से हो गई। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। फिर कार चालक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर कथित तौर पर दो पहिया वाहन चालक महिला का अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला आया कड़ावाला की कार ब्यूटिशियन के दो पहिया वाहन से टकरा गई, जिससे उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद उसने अपने भाई फैज कड़ावाला को फोन कर घटनास्थल पर आने को कहा। आरोपी के भाई ने फोन कर अपने दोस्तों को भी मौके पर पहुंचने के लिए कहा। वह सभी शिकायतकर्ता महिला और उसके कजिन भाई के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। आरोपी ने पीड़िता को सीओने की चैन और दो पहिया वाहन छीन लिया और उसे अपनी कार में बांध लिया। वे बांद्रा के एक होटल में गए, जहां उन्होंने फिर से शिकायतकर्ता महिला के साथ गाली गलौज की और धमकाया भी। हालांकि इसके बाद महिला को उन्होंने जाने दिया। महिला ने अपनी एफआईआर में भाई बहन की जोड़ी और 5 अज्ञात लोगों का नाम लिया है। मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने रविवार को आया कड़ावाला, उसके भाई फैज कड़ावाला और एक अन्य व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 और 392 सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।